नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम रुपेश और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ फ़ोनपे बिजनेस अकाउंट का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं फ़ोनपे बिजनेस अकाउंट का पैसा खाते में ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को बिहार टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह का और भी हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके 1 घंटों का सुधा का ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने फ़ोन से फ़ोनपे बिजनेस एप्लीकेशन को ओपन करना है। फ़ोनपे बिजनेस एप्लीकेशन का होम पेज ओपन हो जाने के बाद में दोस्तों, जो भी आप ट्रांजेक्शन यहाँ पर किए होंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पेज पर रिसेंटली ट्रांजेक्शन मिलता है। फुल ट्रांजेक्शन को देखने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे जहाँ पे लिखा व्यू ऑल, या चाहे तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं जहाँ पे लिखा हिस्टोरी। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आज का ट्रांजेक्शन हिस्टोरी हमारा दिखा रहा है। तो आप जब का ट्रांजेक्शन हिस्टोरी को यहाँ पे देखना चाहते हैं यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लास्ट 7 डेज सेलेक्ट करते हैं, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हम पिछले 7 दिनों में जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड, जो आपका पेमेंट सेटल नहीं हुआ यानी ये खाते में ट्रांसफर नहीं हुआ, आपको सिंपली उस पर ही क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 10 रुपये रिसीव हुआ है ये हमारे बैंक खाते में ट्रांसफर हो चुका है। यहाँ पे अकाउंट लिखा हुआ है और यहाँ पे 10 रुपये लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमारे खाते में 10 रुपये ट्रांसफर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यदि आपके खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं हुआ होगा तो इस तरह का आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे आप सबको बता दूँ, जो भी हमारे फ़ोनपे बिजनेस अकाउंट में पैसे रिसीव होते हैं उसको हमारे खाते में क्रेडिट होने में 24 घंटे तक का भी समय लग जाता है दोस्तों। कभी कभी तुरंत का तुरंत क्रेडिट हो जाता है आपके खाते में, यानी कि आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है दोस्तों। यदि 24 घंटे हो चुका है, 24 घंटे तक आपके खाते में पैसे ट्रांसफर नहीं हुआ या कहे तो सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको नीचे आ जाना है दोस्तों। आपको सबसे नीचे आना है, यहाँ पर मिलेगा कॉन्टैक्ट मर्चेंट सपोर्ट, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है ये जो अमाउंट है कल यानी कि 10 अक्टूबर 2022 को सुबह 8 बजे तक ये अमाउंट हमारे खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा या कहें तो सेटलमेंट कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे को वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस वीडियो के रिलेटेड कोई डाउट हो या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।